हाय गाइस, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा, जो लोग बिगनर है, जो लोग फ्लिप सीखना चाहते हैं खुद से गाइस, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, मान लो चाहे लड़का सीखना चाहता हो चाहे लड़की, गाइस आप लोग दोनों लोग सीख सकते हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, दोनों लोग फ्लिप सीख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को डर लगता है, आप लोग सीखना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ठीक है गाइस, आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आप लोगों को इतना कहूंगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, प्लीज आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो, जो लोग सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर है, डर लगता है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत यार गाइस एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर से चालू करेंगे गर्दन से, तो आपको पहले गर्दन की एक्सरसाइज करना, कुछ ऐसे करके गाइस थोड़ा थोड़ा आपको करना, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रत्येक एक्सरसाइज एक मिनट या दो मिनट करना गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो, मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर लेता हूँ ऐसे करके, और फिर अपने हाथों की आपको एक्सरसाइज करना कुछ ऐसे करके। अब गाइस आपको ऐसे करके खड़े हो जाना सिंपल से। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखो आपको ऐसे करके करना, ऐसे करके। अब आपको करना क्या होगा, आपको सीधे खड़े हो जाना, खड़े हो जाने के बाद अपने हाथ को जमीन पे टच करने की कोशिश करना ऐसे करके, देखो गाइस ऐसे, और हो सके तो आप लोग अपने नोज से नी को टक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके हो सके तो, गाइस नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे करके कर लीजिए। ठीक है गाइस, ऐसे करके। अब आपको करना क्या होगा, आपके जितने लेग स्प्लिट ओपन होती है आपको उतने पैर खोल लेना। ठीक है गाइस, देखो मान लो जैसे आपके पैर इतने खुलते हैं, तो गाइस आपको ऐसे करके खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत लेग स्प्लिट करेंगे, मतलब लेग की एक्सरसाइज करेंगे ऐसे करके। ठीक है गाइस, आप लोग जानते हो जैसे आप लोग फ्लिप करते हो आपके हाथ पैर में पावर होना चाहिए। ठीक, तो आपको ऐसा करके कुछ करना है ऐसे करके, आप लोग 10-10 बार करना दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं करके बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आपको करना, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, अब गाइस आपको ऐसे करके कर देना, देखो अपनी एड़ी को जमीन पर रखना ऐसे करके दोनों पैरों पर। तो गाइस आपको दोनों पैरों पे सेम एक्सरसाइज करना है, जितनी इसमें करोगे उतनी आपको इसमें करना, क्योंकि गाइस आपके दोनों पैर साथ में खुलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लो जैसे दो इसमें करेंगे तो दो हम इसमें करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है ऐसे करके। और गाइस आप लोग जैसे गिरने वाले तो आप लोग अपने हाथ भी लगा सकते हो ऐसे करके। अब आपको ऐसे करके करना, देखो ऐसे करके गाइस, ऐसे करके, मैं ज्यादा करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ज्यादा करना है। ठीक है गाइस, ऐसे करके। और गाइस आपको लोअर पहनकर प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर मैं जींस पहनकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को टाइट कपड़ा पहनकर प्रैक्टिस नहीं करना, आपको अच्छा लोअर या फुल लोअर आप अपने हिसाब से पहनकर प्रैक्टिस करना, जो लूज कपड़े हो गाइस। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा टाइट है गाइस, इस कारण नहीं हो रहा, मगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे करके आपको कर लेना। अब आपको करना क्या होगा, आपको कमर की एक्सरसाइज करना, कमर की गाइस, क्योंकि आप लोग कोई भी फ्लिप शुरू करोगे तो कमर हर स्टंट में यूज होती, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल से ऐसे करके आपको करना, देखो इस जितनी आपकी कमर लचती हो आपको उतना लचाना है। हो सके तो आप लोग घर पर दीवार की मदद से ऐसे हाथ रखो पीछे या पेड़ की मदद से, और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाइए। स्टार्टिंग में आप लोगों की कमर बहुत ज्यादा दर्द करेगी, आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइस, ऐसे करके आपको करना है। पर ये फोन को मैं जेब में भर लेता हूँ गाइस, क्योंकि वॉइस इससे रिकॉर्ड हो रही है, दूसरे फोन से वीडियो शूट हो रही है। तो गाइस आप लोग इस प्रकार डी बनने की प्रैक्टिस करो, आप लोग इस प्रकार नहीं बन पाते तो आपको लेट कर बन जाना। ठीक है गाइस, आपको इस प्रकार कर लेना, धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस करना। जब आप लोग इतना कर लेते हो तो गाइस अब यहाँ पर हम लोग अगली एक्सरसाइज करते हैं, आपको फ्रंट रोलिंग की प्रैक्टिस करना, आगे को गलोटी करना है। जैसे हम लोग फ्रंट फ्लिप मारेंगे बिना हाथ वाली, उसमें फ्रंट रोलिंग बहुत ही सहायता करती है, उसके बाद हम लोग बैक रोलिंग करेंगे। ठीक है गाइस, आप लोग इस वीडियो में देखते रहो।
तो गाइस आपको इस प्रकार करना, ठीक है। तो गाइस जब आप लोग इतनी एक्सरसाइज कर लेते हो, अब यहाँ पर हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे साइड रोलिंग। जब हम लोग साइड फ्लिप मारेंगे तो साइड रोलिंग, हम लोग सारे स्टंट की एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग फिर कोई भी फ्लिप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा फ्लिप स्टार्ट करना। तो अब यहाँ पर हम लोग साइड रोलिंग करेंगे ऐसे, तो गाइस अब आप लोगों की टोटल एक्सरसाइज हो चुकी है, आपकी बॉडी स्टंट करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक स्टंट शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टंट फ्रंट हैंड स्प्रिंग। फ्रंट हैंड स्प्रिंग के लिए करना क्या होगा, देखो आपको लेफ्ट पैर आगे को रखना है, राइट पैर आपको पीछे को रखना है और हाथों को जमीन पे ऐसे करके रखना होता है और इससे आपको राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप, ठीक है गाइस। आपको प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे करेंगे देखो यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी फ्रंट हैंड स्प्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने डी बना था मैं अपनी बॉडी को डी बनाते हुए उठा देता हूँ, ये करना होता है। चाहे आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग करो, कोई भी फ्लिप करते हो तो आपकी कमर यूज होगी। ये हो गया फ्रंट हैंड स्प्रिंग। अब हम लोग दूसरा स्टंट शुरू करेंगे किकअप, क्योंकि किकअप आपको बैक हैंड स्प्रिंग या बैक फ्लिप करने में बहुत ही सहायता करती है। तो किकअप कैसे करते होते यहाँ पर देखो, आपको सिंपल से ऐसे करके लेट जाना है गाइस, देखो ऐसे करके। और बालू लग रही है गाइस प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको अपने हाथ ऐसे पीछे को रखना, पैर को मोड़ना और यहीं से पैरों को आपको किक मारना होता और अपनी बॉडी को डी बनाते हुए उठाना। स्टार्टिंग में नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इस देखो यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है किकअप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे फ्लिप स्टार्ट करेंगे जो कि है कार्टविल, टू हैंड कार्टविल है। ये सब सिंपल है, ये बिगनर के लिए जरूर आपको ये फ्लिप सीखना पड़ेगा। जब तक आप लोग ये फ्लिप नहीं सीखोगे तो फिर आप लोग एडवांस फ्लिप करने में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, कर तो लोगे तो आप लोगों को डर लगेगा और आप लोग कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टू हैंड कार्टविल करेंगे। गाइस आप लोग इस प्रकार टू हैंड कार्टविल कर लेना, ठीक है। ये सब मैं जो आपको फ्लिप सिखा रहा हूँ बेसिक है, आपको इनको सीखना होगा। अब यहाँ पर हम लोग बैक हैंड स्प्रिंग शुरू करते हैं। बैक हैंड स्प्रिंग में करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको सीधे खड़े हो जाना, देखो ऐसे करके सीधे खड़े, यहीं से आपको अपनी बॉडी को एक कुर्सी बनाना है, कुर्सी, ठीक है। ऐसे करके देखो ऐसे, अब यहीं से जो हम लोग भी बनते हैं गाइस वही आपको अपने हाथ को ऐसे करके फिटिंग देना होता है। देखो सीधे आपको खड़े हो जाना यहीं से, ये ऐसे करके देखो ये गाइस, और यहीं से ये हम अपनी बॉडी को डी बनाते हुए पीछे फिटकेंगे गाइस, ठीक है। पीछे करेंगे ऐसे करके देखो, ये चेयर पोजीशन हमारी बॉडी बन गई। अब ये हाथ का स्विंग लेना, ऐसे करके अपनी बॉडी को डी बना देना। तो आप लोग ध्यान रखना गाइस, और आप लोग यार सेफ्टी का विशेष ध्यान देकर प्रैक्टिस करना। जहां भी आप लोग सीखना चाहते हो आपको सेफ्टी का ध्यान देकर प्रैक्टिस करना। आप लोग मेरे पास आना चाहते हो फ्लिप सीखने के लिए गाइस आ सकते हो बिल्कुल। आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को फ्लिप बिल्कुल फ्री में मैं सिखाऊंगा। अपना एड्रेस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला फतेहपुर, गांव आदमपुर। आप लोग मेरे पास आ सकते हो गाइस, और आप लोग जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, आपको नंबर मेरा चाहिए तो मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम में जाइए, ठीक है, वहाँ पर मैसेज करोगे तो मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो मेरे चैनल का नाम है केके डांस असिस्टेंट वही इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है गाइस, केके डांस असिस्टेंट। तो यहाँ पर देखो अब बैक हैंड स्विंग करेंगे क्या, सबसे सिंपल स्टेप आपको ये ऐसे बैठेंगे, यहीं से हाथों को स्विंग लेंगे, ठीक है गाइस। देखो ये हमने किया ये गाइस, ये आप लोग देख लीजिए, आपको इस प्रकार कोई नहीं बताएगा गाइस जैसे मैं बता रहा हूं। देखो ये गाइस, अब यहीं से हम लोग अपने हाथों को और ज्यादा स्विंग करेंगे, पीछे को ले जाएंगे, ठीक है गाइस। ये तो गाइस ये है बैक हैंड स्विंग, आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अगले फ्लिप को,
जो कि है बैक फ्लिप। दोनों फ्लिप एक दूसरे से मिलती जुलती, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। देखो बैक हैंड स्विंग में हम अपनी बॉडी को पीछे को ले जाते हैं, बैक फ्लिप में आपको जंप की प्रैक्टिस करना होगा। बॉडी ले जाना पीछे को और स्टार्टिंग में, मगर आपको जंप की प्रैक्टिस करना है। करना कैसे होगा, देखो इसमें भी अपनी बॉडी को चेयर बनाना है, मतलब कुर्सी बनाना ऐसे करके, और इसमें आपको टक जंप की प्रैक्टिस करना है। इसकी बस इसकी गाइस ये इसकी प्रैक्टिस आपको करना। मैंने आपको सारी एक्सरसाइज पहले ही करके दिखा दिया, रोलिंग बैक रोलिंग फ्रंट रोलिंग सारी एक्सरसाइज करके दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग होगा क्या, आप लोगों को डर लगेगा, इसमें भी आपको वही करना, ठीक है। देखो यहाँ पर गाइस तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बैक फ्लिप में जब आप लोग शुरू करोगे तो गिर जाओगे, आपको इसमें जंप ऊपर क्यों लेना है। स्टार्टिंग में आप लोगों से इस प्रकार होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे खड़े होने लगोगे। आप लोग इसमें और अच्छी तरह से करना चाहते हो तो आप लोगों को और ज्यादा जंप लेना होगा, सीधे देखना है। और गाइस हो सके तो आप लोग यहाँ पे भी टक कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं दोनों जगह पर टक कर लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टक करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं हाई बैक फ्लिप मार देता हूँ, और यार गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो गाइस ये है बैक फ्लिप। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले फ्लिप को, जो कि है साइड स्लिप। साइड स्लिप के लिए करना क्या होगा, इसमें भी आपको सेम जंप की प्रैक्टिस करना है। लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, राइट हैंड ऐसे, और राइट हैंड से ऐसे खींचना है, लेफ्ट हैंड से आपको आगे को फेंकना, और इसमें भी आपको जंप की प्रैक्टिस करना है ऐसे करके गाइस देखो ये ऐसे करके। मैंने आपको साइड रोलिंग पहले ही करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग साइड रोलिंग करेंगे, देखो यहाँ पर वही साइड रोलिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग देखो गाइस आपको इस प्रकार कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये और ये। अब गाइस इसी में हम लोग थोड़ा जंप लेंगे, जंप ऐड करेंगे, ठीक। जंप थोड़ा ऐसे ये, और टक करने की भी कोशिश करना है ये। गाइस आप लोग इस प्रकार साइड स्लिप सीख सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो इसमें हाइट नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बालू वालू है, और गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग पहले स्टंट की प्रैक्टिस किया फिर आपको सिखा रहा है, ये सब बेसिक है गाइस, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करो गाइस। अब यहाँ पर हम लोग अगली फ्लिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको भी बेस्ट फ्लिप कैसे करना होगा। देखो राइट पैर आपको आगे को रखना, यही से आपको इससे किक लेना होता है, लेफ्ट से जंप और टक। तो आप लोग ध्यान रखना, देखो ये हमने राइट पैर से किक लिया, लेफ्ट से जंप, ऐसे करो ये। देखो गाइस स्टार्टिंग में आप लोगों से इसी प्रकार होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग सीखोगे गिरोगे। गाइस ये मेरी वीडियो पार्ट वन है, एक पार्ट टू आएगी, उसमें मैं आपको एडवांस फ्लिप बताऊंगा, क्लियर फ्लिप आप लोग कैसे करोगे। जब आप लोग ये फ्लिप कर लेते हो, इसमें आप लोग और अच्छी अच्छी फ्लिप कैसे ऐड कर पाओगे, ठीक। ये पार्ट वन है, पार्ट टू बहुत जल्द आने वाली। अब यहाँ पर थोड़ा बेबेस्टर करके दिखा देते हैं, और फिर यहीं से आप लोगों से अलविदा करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।